नमस्कार दोस्तों, इजी इंजन जिप्सी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि ब्रेक ऑयल टॉपअप कहां तक करें, क्या लेवल से करें, कौन सा रिकमेंडेशन है वो बताऊंगा। अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक पेडल जो है वो अगर सही नहीं जा रहा है, लूज जा रहा है, तो उसको कैसे आप लेवल का प्रेशर डेवलप करें, कैसे जनरेट करें, कैसे एयर रिलीज करें, तो वो चीज मैं बताऊंगा आपको। आइए, ये वाला ये जो है ये ब्रेक ऑयल इसमें डाला जाता है, इसमें ब्रॉथ फ्री ब्रेक ऑयल लगता है। इसमें सिंपल कैप है, ये हाफ टर्न करने पे ये कैप ओपन हो जाती है। ये कैप ओपन हो जाती है ऐसे, इस तरह से ये कैप निकल जाएगी। इसमें दो मार्किंग है ये वाले बॉटल के ऊपर में, मैक्सिमम मिनिमम। तो आपको मैक्सिमम लेवल तक ब्रेक ऑयल इसमें भरना है। अभी ब्रेक ऑयल जो इसमें आएगा, ब्रॉथ फ्री ब्रेक ऑयल आप ले सकते हो। ब्रॉथ फ्री ब्रेक ऑयल जो है वो रेकमेंडेड है, आप उसमें बॉस या KBS का ब्रेक ऑयल यूज कर सकते हो। तो इसमें ब्रेक ऑयल इसमें टॉप अप करना है, मैक्सिमम लेवल तक कर देना है, और फिर बाद में आपको इसमें व्हील के पास में जो निपल है, निपल के ऊपर में आपको एक अरेंजमेंट करनी है। मैं चलिए दिखाता हूँ, इस तरह से आप उसमें अरेंजमेंट करके एयर रिलीज कर सकते हो। दोस्तों, ये वाली जो है वो निपल, ये वाली निपल जो मेरे ये स्पैनर के साथ है, ये 10 नंबर की एक निपल है, उसके ऊपर मैंने मुझे रिंग स्पैनर लगा दिया है। ये रिंग स्पैनर जो है यहाँ पे लग चुका है, ये वाला आप जो देख रहे हैं ये निपल के ऊपर। और एक बॉटल की जो अरेंजमेंट है, बॉटल इस तरह से है, बॉटल की अरेंजमेंट है ये बॉटल की अरेंजमेंट है, उसका वो निपल के ऊपर में मैं लगा दूंगा। ठीक है जी, ये मैंने 10 नंबर का स्पैनर, रिंग स्पैनर इसमें डाल दिया। अभी निपल के ऊपर में मैं ये अरेंजमेंट लगा देता हूँ, ये वाला इसके ऊपर। ये बॉटल मेरी कनेक्ट हो गई है इसके साथ। ठीक है जी, अभी ये मैं लूज करूंगा, ये स्पैनर से इसको मैं लूज करूंगा और फिर उसके बाद लूज करने के बाद मैं जो ये ब्रेक का पैडल है उसको मैं ऐसे ऐसे पंपिंग करूंगा, ताकि मेरी ब्रेक जहां तक हार्ड नहीं आए वहां तक करूंगा, तो उसमें से एयर रिलीज हो जाएगी। अब इसमें से एयर रिलीज हो गई है, तो मैं अभी ये बॉटल और वो जो प्लग है उसको टाइटिंग कर दूंगा। ये वाला जो है अभी ये स्पैनर टाइट कर दूंगा और ये बॉटल मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और ये वाला जो स्पैनर है मैं इससे निपल टाइट करके ये स्पैनर निकाल दूंगा इस तरह से। तो इस तरह से आपको चारों व्हील के अंदर में से एयर निकालनी पड़ेगी, जहां तक आपका ब्रेक पेडल अगर फ्री जा रहा है तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने ये व्हील के अंदर में से एयर रिलीज किया और उसका जो ऑयल जो था वो मैंने ब्रेक ऑयल इसमें कलेक्ट किया है। ये मेरा जुगाड़ है ये वाला, इसमें मैंने ये बॉटल साथ में अटैच किया था निपल के साथ, ताकि जो भी मैं अंदर से पेडलिंग करूंगा तो वाला जो ऑयल है वो वेस्ट ना जाए, ये ऑयल मैं रीयूटिलाइज कर सकता हूँ, इसको मैं फिर से यूज कर सकता हूँ इसके लिए। ऐसा आपको जब तक ब्रेक पेडल अगर फ्री जाता है वहां तक आपको इस तरह से एयर निकालनी पड़ेगी, चारों व्हील में इसी सेम निपल रहती है। दोस्तों, ये जो है डॉट फ्री ऑयल, जिसमें आप ये डॉट फ्री ऑयल जो है वो ये डॉट फ्री ऑयल यहाँ आप पढ़ सकते हो, डॉट फ्री ऑयल है ये 100 ml, इसका ये जो क्वांटिटी है 100 ml क्वांटिटी सफिशियंट है टॉप अप करने के लिए, और ये बॉस कंपनी का है। ये 100 ml ऑयल जो है मैंने ऑलरेडी इसमें टॉप अप कर दिया है, तो ये बॉस कंपनी का ऑयल है। आप इस तरह से इसमें ऑयल टॉप अप करके ब्रेक का जो है आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी जानकारी मिली है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।